अब देखो क्वेश्चन नंबर 289। 88 तक हम कर चुके, फिर भी कोई समझ में ना हो तो बता देना। एक बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, क्या बताना हमने उसकी हाइट, एच बतानी है, जिसकी त्रिज्या आर, आर कितना है 7, त्रिज्या होती है आर, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टी एस ए, टी एस ए क्या होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ये दे रखे हैं 968, 2 इंटू पाई कितना होता है 22/7, आर कितना दे रखे हैं 7, तो यहाँ से हमने एच निकालना है, तो ये वाला एक तरफ बाकी एक तरफ, 7 से 7 कट जाएगा और ये 22 चौक 88, 22 8 चौक 88 और फिर 22 चौक 88 और 2 22, यानी कि 22 = 7 + h, और h कितना आएगा यहाँ 7 ही जरा आगे कट जाएगा, तो 15 = h, तो h आ जाएगा यहाँ से 15 सेंटीमीटर। समझ आ गया होगा। अब देखें 2 की पावर 0, 0 की पावर 5, 2 की पावर 0 कितना होगा, किसी भी संख्या की 0 क्या होता है 1, 0 की पावर 5 क्या हो गया 0, 5 की पावर 0 क्या हो गया 1, तो ये आंसर क्या है 1 + 0 + 1 कितना उत्तर आ जाएगा 2 आ जाएगा। सड़क के सर्व भाग का क्षेत्रफल, सड़क का क्षेत्रफल निकालना हमने, तो क्या करेंगे एक सड़क का देख लें हम, लंबाई कितनी है चौड़ाई कितनी है, लंबाई है ये 60, चौड़ाई कितनी है 2, तो इस सड़क का हो गया 60 × 2, इस सड़क का कितना हुआ चौड़ाई कितनी है 40, ये चौड़ाई 2 और लंबाई कितनी है इसकी 40, तो प्लस में 40 × 2, लेकिन हम ये देखें ये हिस्सा कितनी बार जुड़ गया 2 बार, इस बार भी इसमें भी और इसमें भी, तो एक बार हमने बाहर करना पड़ेगा, और इसका क्या है 2 और 2, तो 2 × 2, तो उत्तर आ जाएगा 120 + 80 - 4, तो 200 - 4 कितना हो जाएगा 120 40 × 80, तो 200 और माइनस कितना हो जाएगा बेटा, ये चौड़ाई कितनी है 2 और ये भी कितनी है 2, तो 4, तो 196 आना चाहिए इसका, ठीक है। तो शायद इसने बाहर का पूछा हो तो वो भी देख लो, 40 × 60 बाहर का कितना आ जाएगा 2400 हो गया, तो उसमें से 196 काट दें तो वो भी उत्तर नहीं है इसका, तो देख लेना बेटा उत्तर में फॉल्ट है कोई, ये सवाल तुम्हारी बुक से ही है 3 की पावर -5, 10 की पावर -5 × 125, 5 की पावर -7, 6 की पावर -5, तो 10 को हम क्या लिख लेंगे बेटा 2 × 5, सबको बता, एक सौ पच्चीस क्या हो जाए 5 की 3, नीचे है 5 की पावर -7 और 6 को क्या लिख लेंगे 2 × 3, कौन छेड़खानी कर रहे हैं
सीधे हाथ पाया पढ़ा नहीं जाता, कौन सा छेड़ा है इसने? तो यहां 2 × 3⁵, तो 3⁵, 2 × 5⁵ है तो 2 की पावर भी -5, 5 की पावर -5, 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 7, 2 की पावर -5 और 3 की पावर -5। तो 3 की पावर -5 ही कट गए, 2 की पावर -5 है ये भी कट गया, 5 की पावर -5 + 3, 7 ऊपर जाके घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 5 की पावर -9। ये 5 की पावर 7 ही था ना, -7 था बेटा, तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। तो 5 से यहाँ 7 और 3 10 में से 5 गया 5, तो 5 की पावर 5 बचेगा, तो उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है आदित्य, समझ आ रहे हैं बेटा? यस सर। हाँ तो बोले करो बीच में। एक कार एक स्थान तक पहुंचने में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 2 घंटे में का समय लेती है, तो 60 किलोमीटर की चाल से चलती है तो समय कितना लेती है? तो दूरी चाल बराबर क्या होती है? दूरी बटे में समय। तो दूरी कितनी हो जाएगी? चाल गुणा समय, ये समय भाग का इधर आके क्या हो जाएगा? दूरी किसके बराबर होगी बेटा? चाल गुणा में समय, और समय क्या हो जाएगा? ये इधर आ जाए तो दूरी बटे में चाल। तो पहले देखो 60 किलोमीटर की चाल से चली तो 2 घंटे में पहुंची, तो यहाँ दूरी आ जाएगी चाल गुणा में समय, 60 × 2 120 किलोमीटर है वो। अब 120 किलोमीटर किस चाल से तय करती है? 80 से, तो समय आ जाएगा दूरी बटे में चाल, 120 × 80, तो 3/2 यानी कि 1.5 घंटा, 1 से ही 1/2, 1.5 आवर। एम की पावर 4 और 256 माइनस का है, तो इसके कहता है फैक्टर बनाओ। तो फार्मूले हैं a² - b² फार्मूला क्या होता है बताए मेरे को कोई बच्चा? तीसरा फार्मूला है भाई, बताओ आदित्य। a + b into a - b। लेट बोले तुम, तो वही फार्मूला लागू होगा, तुम्हारी बुक में भी हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन। m स्क्वायर का स्क्वायर लिख लो इसको, और 256 किसका स्क्वायर होता है? सिक्सटीन का। तो एक बार प्लस करेंगे ब्रैकेट वालों को और एक बार माइनस, माइनस वाले में फिर फार्मूला लग जाएगा। 4 किसका होता है? 16 किसका होता है? 4 का स्क्वायर। तो एम स्क्वायर है यो, तो m - 4 × m + 4 और m² + 16, ये उत्तर आ जाए, बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन द्विपद है जिसका केवल एक चर है? चर का मतलब एक्स और वाई। द्विपद, इसमें 2 तो पद हैं लेकिन चर 2 हैं, एक्स भी है और वाई भी, ये भी द्विपद है, 2 तो पद हैं लेकिन चर भी 2 ही हैं। एक चर वाला सिर्फ ये है, इसमें एक्स दिखाई दे रहा है,
इसमें भी दोनों एक्स भी है और वाई भी। ओ से बी क्या प्रदर्शित कर रहा है? देखो ओ से पी एक्स है, फिर एक्स है, फिर उल्टा है, उल्टा का मतलब माइनस। हम इधर से इधर जा रहे हैं तो एक्स में एक्स जुड़ गया, एक्स प्लस एक्स माइनस कितना है ये तीन, तो ये क्या हो जाएगा टू एक्स माइनस थ्री, तो ये टू एक्स माइनस थ्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन हमने कितने किए थे, माइनस फोर पी को किससे गुणा करना है, सात पी क्यू से, तो न माइनस का तो निशान रहेगा, संख्या संख्या से गुणा हो जाए, सात चौक अट्ठाईस, पी गुणा में पी क्या हो जाएगा, पी गुणा पी क्या होगा बताओ, पी स्क्वेयर और इंटू क्यू। आदित्य पता नहीं है बेटा इन बातों का, आदित्य आवाज आ रही है सर? आ रही है सर, दिखता नहीं सर साफ इतना। क्यों क्या हो गया, यहां क्लियर दिख रहा है? अब देखो ये भी तुम्हारी बुक से ही है, तीन से तीन कट जाएगा, दो पांच दस, एक्स गुणा एक्स और बीच में गुणा का निशान है बेटा, एक्स गुणा एक्स क्या हो गया एक्स स्क्वायर, पहले संख्या लिखो तीन बटा पांच एक्स स्क्वायर, वाई गुणा वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, वाई की पावर तीन, तो तीन बटा पांच एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, ये आंसर। ये वही है 983 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर, तो एक बार क्या करेंगे दोनों को जोड़ेंगे एक बार, दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी इंटू, तो 983 प्लस 17 जिनके स्क्वायर हैं एक बार उनको जोड़ दें और एक बार क्या करेंगे, ये तो हो गया 1000 और 983 में से 17 गया, ये कितना बचेगा 966, तो 966 30। नाइन पॉइंट सेवन इंटू 9.8 तो 10, कैसे करोगे इसको, सो 10 माइनस 0.2 0.3 और ये क्या हो जाएगा 10 माइनस 0.2, तो एक बार 10 को 10 से गुणा करेंगे सो, 10 को 0.2 से गुणा करेंगे तो 2, 0.3 को 10 से गुणा करेंगे तो 3, और प्लस में क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया 0.06, तो 100 में से 5 गए, 95 में से क्या घटाना है तुमने 0.06, तो 4 9 4 9 9 4 5 ये 3 और 2 था, तो 95 में से हमने क्या घटाना था 0.06, तो 94 पॉइंट समथिंग बचना चाहिए भाई, गलत है ये, देख लेना बेटा। उपयुक्त आकृति को ऊपर से देखने पर टॉप व्यू होगा, तो देखो एक तो ये वर्ग दिखाई देगा ऊपर से देखेंगे तो, और एक वर्ग साइड से देखेंगे तो दो तो ये आयत हैं, एक ही आयत, तीन आयत दिखाई देंगी, ये तो साइड व्यू है, ये है इसका टॉप व्यू ऊपर से देखना। निम्न आकृति में फलक तथा किनारों की क्रमशः संख्या, तो देखो बेटा नीचे एक फलक है
एक इस दीवार पे फलक है, यानी कि कितने फलक हो गए, एक तो नीचे और चार ये दीवारों से जा रहे हैं, इससे बाउंड्री से, तो कितने फलक हैं इसके, पांच, और किनारे कितने हुए, एक तो ये, एक ये, एक ये, एक ये, चार, और एक ये, एक ये, एक ये, और एक ये, कितने हो गए, चार, आठ किनारे, तो पांच तो फलक हैं और आठ किनारे हैं। फिर आ गया यूलर फार्मूला, एफ प्लस वी इज इक्वल टू ई प्लस टू, पता होगा ना इसका, तो सर दी गई आकृति का क्षेत्रफल सर्कल के क्षेत्रफल का आधा, सर्कल का क्या होता है पाई आर स्क्वेयर, तो उसका आधा, क्योंकि आधा है, सेमी है ये, तो पाई का मान होता है 22/7, और त्रिज्या कितनी है इसकी, ये डायमीटर 14 है, तो त्रिज्या इसकी आधी होगी, और डिवाइडेड बाय 2 था, 7 × 7, तो ये 11 पे कट जाएगा, तो 11 × 7 = 77 सेंटीमीटर स्क्वेयर में आएगा उत्तर, ये ध्यान रखना, ये लंबाई है और स्क्वेयर वाला अक्षेत्रफल को बताता है। सुनीता के पास चित्र में दिखाए गए वर्गाकार प्लॉट है, एक घर बनाना चाहती है, घर के चारों ओर एक बगीचा बनाना चाहती है, 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर से, तो पहले ये देख लो ये बगीचा कितने में लगाना है, बाहर वाले वर्ग के क्षेत्रफल में से क्या घटा देंगे अंदर वाली आयत का, तो बाहर का एरिया हो गया 25 × 25, माइनस में अंदर वाला कितना हो गया बेटा 20 × 15, 625 में से 300 घटा दो, 325, और रेट क्या है 55 एक वर्ग मीटर का, तो 55 से गुणा कर दो 325 को, अठारह 975, 17, 18 आएगा भाई, देख लेना उत्तर। एक चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज क्या होती है, जिसके डायगोनल आपस में 90 डिग्री पे काटते हैं, और एरिया क्या होता है इसका, वही d1 × ½ d1 d2, कि लंबाई 6 सेंटीमीटर है, ये 6 है। हाँ सर, अपन सर पहले का सर सी आएगा, सर सी आएगा कैसे, सर इसकी सर 55 से सर गुणा करिए ना सर 325 की, इसलिए सर कर लेना भाई, ठीक है सी कर देता हूँ, सर मैंने कर ली। हाँ चेक कर लियो, एक चतुर्भुज की भुजा की लंबाई 6 है, ये लंबाई 6 होगी, शीर्ष लंब 4 है, लंब यो 4 होगा, तो क्षेत्रफल क्या होगा 6 × 4 = 24, इसके एक विकर्ण की लंबाई 8 है, विकर्ण की लंबाई 8 है, ये 8, तो 4 हिस्सा रह जाएगा, आधा आधा करते हैं ये, दूसरे विकर्ण की लंबाई बताओ, तो वही लगेगा एच स्क्वेयर, फार्मूला क्या हो जाएगा, अक्षेत्रफल क्या होता है 1/2 × d1 × d2, तो अक्षेत्रफल कितना दे दिया इसने 64, तो d1 × d2 कितना हो गया 128, और एक विकर्ण दे रखा है इसने, कितनी है 8, तो दूसरा विकर्ण आ जाएगा 16 × 128, तो कितना हो जाएगा, एक d1 कितना दे रखा है 8, 24 है एरिया, लंबाई तो 6 है और ऊंचाई कितनी है 4, तो ये 24 आएगा,
24 दूनी कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, और 48 बटे में 8 कितना आ जाएगा बेटा, 6 आ जाएगा। तो दूसरा विकर्ण कितना लंबा है, 6। देखो विकर्ण के ऊपर समलंब कार समचतुर्भुज के कई क्वेश्चन आ लिए, ध्यान देना चाहिए तुमने। आकृति में पी का मान तो अंदर वाला देख लेते हैं, पी का फिर अपने आप आ जाएगा। ये तीन एंगल दे रखे हैं, चारों एंगल्स का जोड़ कितना होता है, चतुर्भुज है तो चार एंगल्स का जोड़ कितना होगा, 110। तो 180 और 60 कितना हो गया, 240। तो अंदर वाला है 120 बेटा, बाहर वाला कितना आ जाएगा, 60, क्योंकि इन दोनों का जोड़ कितना होना है, 180। एक समबहुभुज का बाहरी कोण 60 है तो प्रत्येक अंतःकोण और भुजा कितनी होंगी, अंतःकोण कितना होगा, जब बाहरी कोण 60 है तो अंतःकोण कितना होगा, 120, और भुजाओं की संख्या क्या होगी, 360 को किससे भाग करेंगे, बाहरी एक बाहरी कोण से 60 से, तो कितना आ जाएगा, 6। तो ये आंसर होगा, क्योंकि बाहरी कोणों का योग कितना होता है, 360। समद्विबाहु त्रिभुज में 6 सेंटीमीटर और बराबर भुजाओं में से एक भुजा 5 है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, आधार 6 है बेटा, ये भुजा 5 है, ये भी 5 है, तो हमने चाहिए ऊंचाई, जब ये समद्विबाहु तो इसका आधा आधा करेगी, 6 का आधा कितना रह गया, 3 रह गया यहां से यहां तक। तो ऐसी त्रिभुज जिसकी एक भुजा 5 हो एक 3 हो तो तीसरी बता सकते हो, पाइथागोरियन नंबर मैंने कई बार बता लिए, कई बार लिखवा लिए, कोई भी एक बच्चा, 4। 4 आएगी, वेरी गुड। कैसे आया आदित्य, 3, 4, 5। शाबाश, 5, 12, 13, वेरी गुड, 6, 8, 10, वेरी नाइस, 7, 24, 25 और 8, 15, 17 और 10, 24, 26, इतना भी याद रख लोगे तो भी काम चल जाएगा। तो 4 आधार 6 है, ऊंचाई 4 है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 × 6 × 4, 6 × 12 सेंटीमीटर स्क्वेयर वाला उत्तर आएगा, ये ध्यान रखिए, राखिए। ये आयत है, ये समानांतर चतुर्भुज है, तो ये बराबर होते हैं इससे, तो ये कितना है, स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा, इसमें एक्स प्लस वाई है, कितना है ये देख लेना बेटा, कितना है, ये तो इसके बराबर हो जाए, ये इसके बराबर मान लेते हैं, एक्स प्लस वाई किसके बराबर दे रखे है, यो 14 है, कितना 16 है, ये है ऐसे, एक्स माइनस और एक्स माइनस वाई ये कितना है, 13 के, तो इनको एक बार जोड़ोगे तो 2x और ये भी जोड़ लेना, x आ जाएगा, फिर y निकाल लेना, ठीक है, कदे 10 हो गए। सबसे छोटे घनात्मक पूर्ण संख्या, सबसे छोटा पॉजिटिव पूर्णांक क्या है, 1। सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक क्या है, -1, घटाकर फिर उसमें छोटी पूर्ण संख्या जोड़ दें तो क्या आएगा, 1 में से क्या घटाना है, -1, और जमा में सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, 0, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो उत्तर क्या आ जाएगा, 2।
संपूर्ण संख्याएं वह होती हैं जिनके गुणनखंडों का योग खुद से, मान लेते हैं ये है छः, तो इसके गुणनखंड क्या क्या होंगे? एक होगा, दो होगा, तीन होगा, छः होगा। तीन को जोड़ लो, छः और तीन नौ, जमा दो और जमा 11, 12, दुगुना हो गया इससे। आठ के देख लो, आठ का क्या क्या गुणनखंड? एक है, और दो से भाग होता है, चार से भी होता है, खुद आठ से भी होता है। तो आठ और चार 12 और दो 14 और एक 15, तो इसका दुगुना होना चाहिए 16। और कौन सा रह गया? तो संपूर्ण संख्याएं वह होती हैं जिनके गुणनखंड वायु खुद से क्या हो? दुगुना हो। तो संपूर्ण संख्या 6 है, और भी संपूर्ण संख्या 8 संपूर्ण संख्या नहीं है। पाइथागोरस तर्क में वही मैंने बताया था, 6 हो तो उसका कर्ण क्या होगा? 6, 8, 10। कर्ण सबसे बड़ा होता है, तो कर्ण उत्तर कितना हो जाएगा इसका? 10। किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? बाहरी कोणों का योग कितना होता है बेटा? 180, 360। बहुभुज कोई भी हो, चाहे त्रिभुज हो, इसके बाहरी कोणों का योग 360 होता है। चाहे वर्ग हो, इसके भी बाहरी, चतुर्भुज के भी बाहरी कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। तो कोई भी बहुभुज हो, उसके बाहरी कोणों का योग कितना होता है? 360। प्रतिवर्ती कोण का मान क्या होता है 180 और 360 के बीच में? एकांतर क्या होते हैं? एक इधर, तो बी और सी एकांतर कोण है, और कोई से नहीं है, तो बी और सी। ए और डी क्या है? ए और सी है, यहाँ पे संगत कोण। संगत का मतलब जैसी संगत में ये बन रहा है वैसी संगत में। समद्विबाहु बाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 18 है, तो उसका कर्ण क्या होगा? देखो बेटा, समद्विबाहु भी हर समकोण भी है, तो इसका मतलब यह भुजा एक्स है, तो यह भी एक्स होगी, और इसका क्षेत्रफल 1/2 गुणा एक्स गुणा एक्स किसके बराबर दे रखे 18, तो एक्स स्क्वेयर कितना हो गया? 2 इधर आगे गुणा हो जाएगा 36, तो एक्स क्या आ जाएगा? 6 का वर्ग होता है ना 36, तो ये 6 है, ये 6 है, तो बताना क्या है हमने, इसका कर्ण क्या होगा? 6 का स्क्वेयर जमा 6 का स्क्वेयर, तो 36 जमा 36 कितना हो गया? 72। 72 को लिख सकते हैं 36 गुणा में 2, यानी कि 6 वर्गमूल 2। समद्विबाहु समकोण की एक भुजा 4 है, तो परिमाप कितना होगा? ये भुजा 4 है, अभी तो किया था हमने, तो ये भुजा आएगी 4 वर्गमूल 2, तो परिमाप क्या हो जाएगा? तीनों भुजाओं का जोड़। ये तो लाइक टर्म जुड़ जाएंगे, 8 प्लस में 4 रूट 2, तो इसका ए आंसर हो जाएगा। ये पावर है बेटा, सारी माइनस गुणा हो जाए, 5^2 गुणा में -3, तो 5^6 आ जाएगा, माइनस माइनस गुणा होके प्लस हो जाएगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या में से सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? 0। में से सबसे छोटी अभाज्य संख्या घटाएं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है?
दो। दो, वेरी गुड। तो 0 माइनस 2 चार आदमी एक काम को 8 दिन में करते हैं, तो 6 आदमी आदमी और काम खाने और दिन में जो है ना क्या होता है, प्रतिलोम अनुपात होता है, उल्टा। आदमी बढ़ा देंगे तो काम घट जाएगा, दिन घट जाएंगे। 4 आदमी 8 दिन में करते हैं तो 8 आदमी कम दिन में करेंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रतिलोम अनुपात। अगर एक की बढ़ाने से दूसरी बढ़ती है तो क्या बोलते हैं, सीधा अनुपात। 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग ए बी सी डी, तो कहता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो क्या करेंगे, वर्ग में से आधा सर्कल ही और आधा सर्कल ही, यानी पूरा सर्कल घटा देंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ व्यास कितना है 14, तो त्रिज्या कितनी रह जाएगी 7, तो अक्षेत्रफल आएगा वर्ग का तो हो गया 14 गुणा 14, सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया 196 और ये हो गया 156, तो उत्तर आ गया 40। कितना हो गया ये 154, तो उत्तर कितना आएगा 42। इसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मैंने बताया था, पहले संख्या को निकाल लो फिर उसको पलट देंगे। लघुत्तम कितना आएगा 28, 28 को पहले किससे भाग देंगे, किससे भाग देंगे बेटा, 7 से। कितना आएगा 4, 4 को ऊपर गुणा करेंगे 20, फिर 28 को किससे भाग देंगे 14 14, से। 2 आएगा 2 को ऊपर गुणा करेंगे 6, 28 को 28 से। 26 में से 5 गया 21/28, 7 3 21, 7 4 28, 3/4 है, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, इसको पलट दो, 4/3 हो गया। इसका मान बताना है तो पहले यहाँ ये देख लो, कटते हैं तो काट लो, तो 3/20 हो गए, माइनस 1 से 3 1 3, 4/3 हो गए, और भाग में 8 × 16 5, 16 8 × 16 5 21/8। तो पहले इसको हल कर लो, 3 को इधर गुणा, 20 को इधर गुणा, 3 3 9 -80 / 20 3 60, और इसको गुणा करोगे तो 8/21, 80 में से 9 गया, तो ये इनको हल कर लेना बेटा। अब 4 × 8 4 15, तो ये उत्तर आ जाएगा इसका। वितरकता, वितरकता होता है जमा वाले में बट जाना, बाहर गुणा और अंदर जोड़ो, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ए गुणा में बी प्लस सी, तो अंदर है पहले ए किसके साथ गुणा होगा बी के साथ, फिर ए किसके साथ गुणा होगा, इसको क्या बोलते हैं, वितरकता बोलते हैं। योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम क्या होता है, सिर्फ माइनस का निशान लगाना, पहले इसको हल कर लो, 3 5 15, तो 8/3 × 5 कितना हो गया, 15 और 12 का लघुत्तम कितना होता है 60। ऐसी संख्या ढूंढ लिया जो दोनों से भाग हो, 60 को किससे भाग करोगे, किससे भाग करोगे, 15 से। तो 15 को 4 आ गया, 4 को ऊपर 4 8 32, फिर 60 को किससे भाग करोगे 12 से, 5 7 35, तो -3/
60 माइनस 1/20। योज्य प्रतिलोम में इसका निशान बदलना है। इब्बत और रह गया बेटा, यो रह गया, क्या दिक्कत आ गई। 5 3 15 8/9 था ये। तो 9 और 12 का लघुत्तम कितना होगा? लघुत्तम समझ में ना हो तो इसने न्यून गुणा कर दिया, अरे इसने न्यून गुणा कर दिया, 36 आएगा। 9 और 12, 9 चौक 36, 4 को ऊपर गुणा करोगे 32, 12 3 36, 3 को ऊपर गुणा करोगे 7 3 21। तो ये कितना आएगा? 11/36। योज्य प्रतिलोम में निशान बदलेंगे इसका, 11/36 का क्या हो जाएगा? माइनस 11/36। 4 सही 2/3 में क्या जोड़ा जाए? ये प्राप्त हो तो 4 बटे तोड़ लो, 4 7 28 और 2 30/7। क्या जोड़ें? एक्स जोड़ें, क्या आ जाए? 5 3 15 × 15 और 2 17/5। तो बेटा कट जाए तो जहाँ तक मैं सोल्व करूँ यहाँ तक के सवाल करना, शाम को दिखाना मेरे को शाम तक, ठीक है? तुम काम करके दिखाते तो हो नहीं। 5 7 7 गुना हो जाएगा 35, 7 इधर 17 7 119, ये माइनस का 150, तो 21/35 माइनस का 7 3 21 7 5, तो -3/5। तो 31 आएगा, -31/35।